फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपका भाई का चैनल में। मैं कुछ भी नहीं डर रहा हूँ, थंबनेल वगैरह आप वीडियो देखो, ठीक है? कुछ मतलब मुझे भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लोग कहीं पे जा रहे हैं मैं और सर, और आपको कुछ बताएंगे उसके बाद, ठीक है? अभी तो जल्दी चलते हैं वहाँ पे, 10:30 बजे पहुँचना है। अभी 10 बज गया, हमारा सर आएगा जो कि सर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सर जो है बैंक गए हुए, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी हम लोग को। सलून पे आ गया, थोड़ा बाल भी सीधा कर लिया, एकदम सेट करके एकदम मस्त। देखो, मुझे देख सकते हो बहुत सीधा लग रहा है ना। Five hours later. आपको बता दूं कि मैं आज आया कोर्ट में आया था। कोर्ट में आके 5.5 घंटा बैठ के अभी जा रहा हूँ। लाइफ का पहली बार, लाइक मैं पहली बार ही कोर्ट में आया हूँ। और ये अगर आज 5.5 घंटा इधर नहीं बैठता ना, तो 10,500 का चूना लग जाता। मतलब 10,500 फाइन भरना पड़ता, पेटी जो पड़ता है वो 10,500 का था। 10:30 को मॉर्निंग को यहाँ पे मेरे साथ ज्योति सर भी था। ज्योति सर, थैंक यू सो मच। जब भी मेरे साथ कुछ भी हुआ है ना, ज्योति सर मेरे साथ में आए। ये 3rd time है ज्योति सर मेरे साथ है ना, 2 बार पुलिस स्टेशन और आज 1 बार कोर्ट में। जो 1st time में गया था उस टाइम, मतलब थाना पुलिस स्टेशन जब गया था उस टाइम पे डर लगा। 2nd time में कुछ भी डर नहीं लगा। 2nd time का जो इंसिडेंट था उसका ही आज पेटी भरने आना था मुझे यहाँ पे, है ना। तो मैंने पेटी भर लिया है। वो आज 500 रुपीस मुझे पेटी का वो पड़ा है। अगर मैं आज नहीं आता तो मुझे 10,500 रुपये पे करना पड़ता। अगर वो पे नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कभी भी मुझे पुलिस बाई चांस पकड़ लेता है उस टाइम पे, तो मुझे प्रॉब्लम होगा। कहने का मतलब यही है, लाइक जो भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है ना, पुलिस स्टेशन में वो दर्ज हो गया, मतलब फाइल रजिस्टर हो गया, तो उसको आप क्लियर कर लो पहले ही, है ना। क्योंकि आपको वो बाद में जाके बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसीलिए मतलब जो भी था, मेरा भी चलो एक्सपीरियंस हो गया है ना, आके सब कुछ मामला सेट हो गया। अभी 5.5 घंटा रुका तो क्या हुआ, मामला तो सेट हो गया और 10,500 भी बच गया अपना, है ना। जिंदगी में पहली बार पनिशमेंट मिला इतना लंबा वाला, है ना। 5.5 घंटा का पनिशमेंट था, बट सही था। मतलब कुछ ऐसे कुछ फील नहीं, मतलब नॉर्मली बैठे हम लोग, आराम से वहाँ पे नॉर्मली बैठे थे, ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। तो मेरे साथ और भी 10-12 लोग थे, इन सब अपने अपने धुन पे। मतलब मैं तो आज इतना टाइम देखा हूँ, कब 4:30 होगा यार, टाइम ही नहीं जा रहा था। और काम में या फिर कुछ आपको लगता है कि टाइम जल्दी ना जाए, उस टाइम पे टाइम जल्दी जाता है। रोज जिस टाइम पे आपको लगता है कि टाइम जल्दी चला जाए, उस टाइम पे टाइम ही नहीं जाता है ना। चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे गुजर गया है। अब मेरा हाफ डे पूरा ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म हो गया है। एंड अभी हमको शायद ड्यूटी जाना पड़ेगा, क्योंकि पता है ओनम सीज़न है, सो बहुत ज़्यादा रश है। और मुझे सर कॉल करके बोल रहा है कि जल्दी से आ जाओ ड्यूटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। सो अभी यहाँ से चल के कुछ खा लेते उसके बाद जाते हैं ड्यूटी जाके ज्वाइन करते हैं। क्यों यहाँ पे आना पड़ा है इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, बाद में। आ गया हो, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। 5 बज गया, अभी 5:30 होने वाला है। वैसे ड्यूटी नहीं जाना ठीक था थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है ना, सो सर भी कॉल करके बुला रहे हैं, तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सो ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा। एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, मैंने आज सुबह भी कुछ नहीं खा के गया था और दिन भर वहाँ पे ऐसे ही बैठ के चला गया। चलो ड्यूटी चलते एंड काम करके मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ था, रीज़न क्या था मैं कोर्ट जाने का पीछे, है ना। मुझे वीडियो नहीं बनाना था, क्योंकि ये वीडियो अगर मेरा मम्मी देखेगा तो मेरा मम्मी भी मुझे गाली करेगा, मेरा मम्मी मेरा बहन जो भी है गाली करेगा। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आगे मेरे से गलती जो हुआ है वो दूसरे के साथ नहीं होगा, वो गलती नहीं करेगा अगर आप ये वीडियो देखते हो, है ना। सॉरी, का केस जो था वो ड्रिंक एंड ड्राइव था, और हम लोग वहाँ पे रुके थे उस टाइम पे। ड्रिंक नहीं था, मतलब हम लोग ने थोड़ा सा लिया था, स्मॉल ग्लास लिया था, वो चीज़ है ना। तो उस टाइम पे पुलिस ने हम लोग को इसलिए रोका, लाइक हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे थे, हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, आगे कुछ लोगों को रोक रहा था, तो हम लोग देख रहे थे। सीधा पुलिस अपने पास आया, अपने पास आके जब हेलमेट पूछा, हेलमेट नहीं था, तो मेरे साथ में और एक ब्रो था, उसने बोला कि
यहीं पे रूम, इसीलिए हेलमेट नहीं डाला बोल के बोला, तो उसका मुँह से स्मेल आ गया, तो ऐसे चेक किया, चेक करके पकड़ लिया हम लोगों को, है ना। उसके बाद उसी रात को मुझे लेके गया, थानी पे लेके गया, लेकिन जब मैं पुलिस गाड़ी पे बैठा ना, तो 3 स्टार वाला लड़की था पुलिस, उनसे अच्छे से बात किया मुझे, मैं हम लोग सब अच्छे से बात किया, है ना, इवन वो लोग बहुत अच्छे से भी बात किया, मतलब अच्छे से गए, अच्छे से रात को आया, और मॉर्निंग को जाके डॉक्यूमेंट्स, मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला भी था आप लोगों को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के गाड़ी आ गया, और उसी का पिट्टी आज आया मेरे पास 1.5 महीने बाद। कल कॉल आया था, कल कॉल आके बोला कि आपको कोर्ट में आना है, कोर्ट में आके अगर आप आज कल कोर्ट में आते हो और 500 रुपये फाइन दे के या आपका पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो आपका 10,500 रुपये बच जाएगा, अगर आप कल नहीं आओगे तो आपको 10,500 लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है ना, उतना बड़ा अमाउंट देने से कि बहुत ज़्यादा है ना 10,500, उससे अच्छा कुछ देर पनिशमेंट ही सह लेते हैं ना, 5.5 घंटा वहाँ पे बैठ के आया हूँ। लेकिन कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस रहा। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आगे से ऐसा गलती मेरे से भी नहीं होगा ऐसा गलती, और आप भी ऐसा गलती मत करो गाइस, क्योंकि कभी कभी है ना हम जैसे सोचते ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपका गलती जब रहेगा, आप उस गलती को ज़रूर एक्सेप्ट करना गाइस, क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करोगे है ना, अगर गलती से ही सीखते हैं ना हम लोग, तो गलती को एक्सेप्ट करो, जो गलती हो जाता है वो आप दोबारा मत करो। 25 है और 4 दिन बच गया है ओनम आने के लिए, और मैं ओनम के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, हैप्पी ओनम एडवांस में, एंड आपसे ज़रूर मुलाकात होगा, ये तो आपसे फिर मुलाकात होगा, नितिन इस ब्लॉग पे बनी रहिएगा भाई, तब तक के लिए।